हिंदुस्तान में अगर हुनरबाजों की बात करें तो अधिकतर छोटे ग्रामीणों के लोग हुनरबाज भी कुछ कम नहीं है। इसी के चलते अगर बात की जाए तो कानपुर देहात का उत्तर प्रदेश का ये गांव कचगांव है, जहां पर सचिन आए दिन नए नए आविष्कार कर रहे हैं। सचिन, कितने समय तक क्या क्या आविष्कार कर चुके हैं? मैंने अभी तक 5-6 आविष्कार कर चुका हूँ, जो की है जैसे एक लाइट है, लाइट के लिए कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। घर पे अगर लाइट चल रही है, अगर चले गए कहीं दूर तो वहाँ से आना पड़ रहा है, आप कैसे आए दूर निकल गए तो आप वहीं से फोन से बंद कर सकते हैं। हाँ, ये बाइक का है, ये बाइक में जो डिवाइस मैंने बनाया है, बाइक में फोन से स्टार्ट कर सकते हैं, फोन से ही बंद कर सकते हैं। ये एक नंबर है जो डायल करना पड़ता है जी, जैसे ही मैंने डायल किया इसमें जैसे ही बिल गई अपने फोन से कट कर देना है। इसका रेंज बहुत है, जैसे नेटवर्क की वजह से कहीं से भी आप कर सकते हैं। इसका रेंज कोई वो नहीं है कि इसका रेंज है, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई, फोन आ जाएगा आपका कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी चोरी हो जाती है, इस सूरत में क्या है? ऐसे है जैसे गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप फोन से वहीं से लॉक कर सकते हैं आप। आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसी सुविधा नहीं दी है कि गाड़ी चोरी हो जाए और डिवाइस बता दे गाड़ी कहाँ पर है। एक मोबाइल से गाड़ी को ऑपरेट किया जाता है, एक मोबाइल से गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। पर हमारे बीच में सचिन के गाँव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बात करें। ये कम से कम 3-4 साल से है ये लड़का, कई आदमी जो है यहाँ बाहर के दूरी दूरी के यहाँ आए हैं देखने के लिए। और ये कमर भी चला लेता है, टीवी भी चला लेता है, ट्यूब बेल भी चला लेता है। ये लड़का जो है गरीब घर का है, अगर सरकार के यहाँ से कोई सुविधा ऐसी मिल जाए तो आगे और विकास कर लें। इसने बचपन से ही इसने सोच लिया था कि मैं तेजकल प्लास से ही कारोबार ये करना शुरू कर दिया। इसके बाद में ये सारे कार्य इसने जाने कैसी बुद्धि, भगवान की कुछ देन ऐसी कि सारे काम ही करने लगा। आपकी मोटरसाइकिल भी चला सकता है, आपका ट्यूब बेल भी चला सकता है, ये आपका मोबाइल से ही चलाता है। इसने सुरक्षा के लिए इतनी किया है कि सारे मोबाइल भी आपके कर देंगे आपके घर में। या अगर आपका 3-4 मीटर से कोई आ भी जा रहा है तो तुरंत आपको बताएगा कि घर में कोई आ रहा है। अब करने के लिए तो बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं पाया जाता है तो हम लोग कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसको नीचा आता तो बहुत कुछ है। वहाँ सचिन की लैब में मौजूद है जो उनके घर के ऊपर बनी हुई है। जी, मैं ये मोबाइल से एक डिवाइस बनाई है जो आप मेरे घर में आएंगे, हम कहीं भी हैं, मेरे पास फोन आ जाएगा अगर मेरे बिना इजाजत के घर पे कोई भी आ रहा है व्यक्ति। जी, मेरे पास फोन आएगा अगर कोई भी आ रहा है मेरे पास मेरे घर में तो मेरे पास फोन आएगा। कौन सी डिवाइस है वो? ये डिवाइस रखी है, अगर वहाँ से कोई भी आएगा ये लगा है, फोन आएगा, ये फोन मेरे फोन पे फोन करेगा। मैंने यहाँ पर ये बनाया है, अगर लाइट आ गई है तो ये डिवाइस रखी है ये फोन कर देगी। और एक समर सेबल है जो मोबाइल से चला सकते हैं, ट्यूब बेल है मोबाइल से चला सकते हैं। आप ट्यूब बेल में जाना नहीं पड़ेगा, आप घर पे, ये सर्दी है वहाँ पे जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है सर्दियों में, तो मैंने ऐसी डिवाइस बना दी है कि वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, आप घर से ही चला सकते हैं, घर से ही बंद कर सकते हैं। मैंने 6 डिवाइसें बना रखी है। 6 डिवाइस का क्या क्या काम है? 6 डिवाइस, एक तो है समर सेबल का, ट्यूब बेल का, एक बाइक का है, एक घर की सुरक्षा है। क्या मानते हैं सचिन जी, सरकार आपको सहायता दे तो और क्या क्या बना सकते हैं आप? अगर सहायता मिले तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करना, अगर आइडिया भी सोचा है कि जैसे मोबाइल से या रिमोट से बिना ड्राइवर के खेत जोतने का। जो जानकारी आ रही है, सचिन नाम का जो बालक है, निश्चित तौर पे अगर उसकी मेधा की बात की जाए, उसकी काबिलियत की बात की जाए, तो उसकी जो शिक्षण व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेके वो जिस स्तर पे काम कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी मेधा का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। सरकार को और इंस्टीट्यूटों के माध्यम से उस व्यक्ति को वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ न कुछ सरकारी सहायता दी जाए और उसकी मेधा का सही सम्मान किया जाए। निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए, महज उत्तर प्रदेश के लिए और जनपद कानपुर देहात के लिए गौरव का विषय है। हालांकि देखा जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर इनको पैसे या सहायता दे तो इससे भी बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी भारत, उत्तर प्रदेश।